दिखाता है प्रताप और तुम्हारी शमशीर वो करिश्मा नहीं दिखाता रही है जिसके लिए वो मशहूर है। चमत्कार हमारी तलवार में नहीं मुगल, चमत्कार हमारी मातृभूमि के लिए हमारे अगाध प्रेम में है। और जब ये चमत्कार हमारी भुजाओं में रक्त के साथ उभरता है तो बड़े से बड़े शत्रु मिट्टी में मिल जाते हैं। तुम तो हो ही क्या प्रताप, आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप इस मुगल को संभालिए। देखो मुगल, हमारी मातृभूमि के लिए हमारा प्रेम हमें निर्भल नहीं होने देता, अब संभालो हमारा बार। गिरधर गोपाल, जो अधर्म हमने दूसरे का अधिकार छीन कर किया है उसका प्रायश्चित इस महल में रहकर नहीं किया जा सकता। लगता है हमारा इस महल से जाने का समय आ गया है। हुकुम, अब और अफगान सेना नहीं है कहीं भी। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने स्वयं रात को सीमा पर जलती हुई मशाले देखी हैं। महमूद शाह की विशाल सेना बिजुलिया की सीमा तक पहुंच चुकी है। छल किया है आपने हमारे साथ, क्या करे मामरक सिंह, रात की सिहाई में तुम सबको बेवकूफ बनाने का उम्दा ख्याल जो शहंशाह अकबर के दिमाग में आया है उस पर अमल तो करना ही था। मतलब अकबर? हाँ मामरक सिंह, तुमने चित्तौड़ की तमाम हिफाजती फौजें यहाँ बुला ली हमारे चंद सिपाहियों से लड़ने के लिए, और चित्तौड़ की बाकी बची हुई फौज तुम्हारी बेटी की प्रताप की शादी की खुशी में छुट्टियां मनाने जा चुकी है। अब चित्तौड़ में अकेला रह गया बेचारा प्रताप। शहंशाह अकबर का इरादा तो ये था कि प्रताप को मारने का सुकून हमारे नसीब में हो, पर यह हमारी बदकिस्मती है कि वो यहाँ पर नहीं है। वहां शहंशाह अकबर प्रताप को मार के तुम्हारी बेटी को बेवा करने का मजा लूटेंगे। और एक बात और मामरक सिंह, अब के बार शहंशाह अकबर बहुत बड़ी फौज के साथ चित्तौड़ का है और आपका बचना मुश्किल है, मुश्किल। जब भी हम इस परिवार, इस महल और इस राज्य को सदा सदा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आपके योग्य हाथों में ही सुरक्षित रहेंगे। कुंवर प्रताप का ध्यान रखिएगा, आपको कुंवर प्रताप और उनके विरुद्ध आने वाली हर चुनौती के बीच अभेद्य ढाल बनकर रहना है। आपने पहले भी कई बार हमें विश्वास दिलाया है कि आप ऐसा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। इसलिए हमें अपने लिए इस कठोर निर्णय को लेने में कोई झिझक नहीं हो रही है।
अपने सभी प्रजाजनों से विदा तो लेकर आए हो ना, क्योंकि अब ये हमारे बीच जो युद्ध होगा वो मृत्यु पर्यंत युद्ध होगा। इसीलिए तो अभी अभी बनी तुम्हारी तिलहन को बेवा बनाने का बहुत अफसोस होने वाला है हमें। पता क्या नाम है उनका? अच्छा ते नाम भी मत तो अपनी गंदी जीवा से उनका। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो जहां पना, बड़े अफसोस के साथ ये खबर देनी पड़ रही है जहां पना कि मलिकाए आलिया। क्या हुआ अम्मी जान को? मलिकाए आलिया अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं जहां पना। उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश आप तक भिजवाई है। वो इस दुनिया से रुखसत लेने से पहले वो एक बार आपका दीदार करना चाहती हैं जहां पना। मुगल लौट जा अपने देश। हमें याद है तुमने एक बार कहा था कि जैसे हम लोगों में पितृ ऋण से उत्तीर्ण होना इतना आवश्यक होता है, वैसे ही तुम लोगों में अपने माँ के दूध का ऋण उतारना उतना ही आवश्यक होता है। जाओ मुगल, इससे पहले कि हमारा मन बदल जाए, जाओ और अपने सर से अपने माँ के दूध का ऋण उतार लो। जाओ। याददाश्त तो हमारी भी कुछ बुरी नहीं है प्रताप, हमें भी याद है तुमने कहा था एक राजपूत की म्यान से जब तलवार निकल जाती है तो फिर बिना खून बहाए वापस म्यान में नहीं जाती। तुम्हारी तलवार तो अभी भी सुखी है ना प्रताप? लो बहा लिया हमारी तलवार ने रख। पर ये मत सोचना कि हमारे बीते मित्र वाले दिनों के लिए हमने इस युद्ध को बीच में रोका, कि हमने उन दिनों को तो पक्का चला कर राख कर दिया अपने मन में। हमने एक माँ के लिए इस युद्ध को रोका है बीच में, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। शत्रु के प्राण लेने की वो बलवती इच्छा भी नहीं जो हर पल हमारा जीवन बन के हमारी सांसों में बस चुकी है। जाओ यहां से। ठीक है, मगर याद रखना इस एक लम्हे के लिए तुम्हें अपने पूरे जीवन पर अफसोस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ही ख्वाहिशों की मानी हमने भी हर एक पल हर एक लम्हा तुम्हारी ही मौत की ख्वाहिश की है। हम लौट के आएंगे जरूर प्रताप, हम भी आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सही कहती है दीप भाई जी आपके बारे में, सच कहती है कि आपको सब कुछ चाहिए वो भी अकेले के लिए, इसीलिए आपने हमें राणा जी के कभी निकट नहीं आने दिया, क्योंकि आपको डर था कि यदि हम उनके निकट आ गए तो कहीं हमें संतान ना हो जाए और आपकी सत्ता की चाह में कोई विघ्न ना आ जाए।
छीन लिए, हमें जीते जी मार दिया आपने। हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार आपने हमसे हमारी खुशियां छीनी है ना, आपको भी भगवान को खुशियां कभी ना दे। अगर आप सच में चाहती हैं कि राणा जी हमारे निकट आए, कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। अच्छा हुआ जो आपने हमें बता दिया। हम बता देते हैं ना जीजा और राणा जी को, आप चिंता मत कीजिए, आप अपने कक्ष में चलिए। किंतु छोटी माँ, हम जाके सूचित करें रानी माँ। अजब, इस महल की यही परंपरा है कि छोटे बड़ों की बात मान लेते हैं। अंतर महल में जाकर रानी माँ को समाचार दे दीजिए, वो दाजीराज को बता देगा। और हाँ अजब, आप भी दाजीराज से कहिएगा कि हम सुरक्षा सैनिकों को लेकर जाएंगे, ताकि वे महल की सुरक्षा के लिए तुरंत से रवाना हो। भले ही छोटी माँ हमें ना कहे, किंतु न जाने क्यों हमारा मन कह रहा है कि हमें जाके सब कुछ रानी माँ को बता देना चाहिए। और कुंवर प्रताप ने भी तो यही कहा था, हमें स्वयं जाके रानी माँ को सब बताना होगा। जमिता भाई जी कहाँ हैं? महारानी सा तो मुंह अंधेरी ही चली गई थी राणा जी। कहाँ चली गई थी? हमने उन्हें पूजा घर की तरफ जाते हुए देखा था। पूजा घर? ये सुबह सुबह कौन सी आराधना होती? जाइए आप। जमिता भाई जी, जमिता भाई जी, कभी कभार अपने पति के साथ भी दिन का शुभारंभ कर लेना चाहिए। जमिता भाई जी, जमिता भाई जी का पत्र। आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है, और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। इसलिए अपनी निरर्थकता के साथ हम अब कान्हा जी के शरण में जा रहे हैं। नहीं जानता भाई जी। राणा जी, अच्छा हुआ जो आप हमें मिल गए। राणा जी, हमें नहीं पता कि छोटी माँ ने आपको वो समाचार बताया है। नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य है राणा जी, उन्हें भी समाचार के बारे में कुछ समय पहले ही पता चला है। कौन सा समाचार? मतलब आपको इस समाचार के बारे में कुछ नहीं पता? वो वास्तव में नाना जी, मुगलों ने हमला कर दिया और इसीलिए हुकुम प्रताप अपने सैनिकों को लेके उनका सामना करने गए हैं। कुछ ही समय पहले निकले हम। संभवतः अकबर नेतृत्व कर रहा है मुगल सेना का। क्या? हमें क्षमा कर दीजिए रानी जी, हमने आपको बताने का बहुत प्रयास किया किंतु जल्दबाजी में रानी जी हम तिलक के अलावा कुछ नहीं कर पाए। आप समझती क्या अपने आप को? क्या है आप? मात्र अभी कुछ समय हुआ इस महल में आए हुए और आते ही आपने इस महल की अर्थव्यवस्था को उलट उलट कर दिया। चुप हो जाइए। किसने अधिकार दिया आपको कुंवर प्रताप को इस महल से भेजने का? और ऊपर से हमारे सामने खड़े होकर आप कह रही हैं कि आपने कुंवर प्रताप का तिलक तक कर दिया? आप अपनी मर्यादा को वारपाल, रावत जी कहाँ हैं? तुरंत उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहिए। रावत जी हुकुम, वो तो अपने गांव गए हुए हैं। ठीक, किले में जितने भी सैनिक हैं उन्हें एकत्रित होने के लिए कहा जाए, तुरंत। जी हुकुम।
अनर्थ हो गया है धीर भाई जी। छोटी माँ, आपकी बात ना मानकर हमने इस लड़की का विवाह कुंवर प्रताप से करवा दिया। मार्ग की एक साधारण सी धूल को हमने मेवाड़ का गौरव बना दिया और इन्होंने। राणा जी, आप इस समय अधिक क्रोध में हैं। संभवतः इसीलिए आप स्वयं नहीं समझ पा रहे कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए ये संदेश, पढ़िए इसे। इन्होंने ना केवल जवंता बाई जी को इस महल से जाने के लिए विवश किया है, बल्कि इन्होंने कुंवर प्रताप को भी बिना हमारी मंत्रणा के अकबर का सामना करने के लिए तिलक लगाकर भेज दिया। हमने हम रानी माँ को क्यों विवश करेंगे रानी जी? एक शब्द हम आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते। एक बार हम लौट कर वापस आ जाए, उसके बाद हम आपके एक एक अपराध का विश्लेषण करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि आपने ये सब क्यों किया। मेरी बात तो सुनिए, छोटी बात बोले ना, हमने विवश नहीं किया था। हमारे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, आप ही पढ़ लीजिए शब्द। अजब दिन, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है, और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। इस महल में जयवंता जीजा को देवी जैसा सम्मान देते हैं, अब कहीं आपके मुंह से ऐसा कुछ ना निकल जाए जो आपके लिए भयंकर हो। तो रानी, हमने किया क्या? हमारा कहने के साथ पर वो नहीं था। युद्ध में जाने से पूर्व हम राणा जी को तनाव मुक्त करना चाहते हैं।